एपिसोड के स्टार्ट में हमें हयातो को दिखाया जाता है। जब उसका दोस्त कहता है कि क्या हुआ, क्यों परेशान हो, तो वो कहता है कि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे हिस्ट्री सीखना चाहते हैं, लेकिन मैं जितनी भी मदद कर लूं, मुझे लगता है कि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि मैं उनकी मदद करूं। तो साथ ही बैठा हयातो का दोस्त कहता है कि मेरे एक स्टूडेंट की हिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि मैं मंगा सीरीज देखता हूं। हयातो ने जब सुना तो वो कहने लगा, क्या ऐसी चीज भी एग्जिस्ट करती है? हयातो का दोस्त कहता है, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी मंगा सीरीज दिखाऊंगा जिससे तुम्हारी हिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। हयातो कहता है, तुम्हारे बगैर मेरा क्या होता। वहीं उसकी दूसरी दोस्त आती है जो कहती है, तुम्हारा लंच तो बहुत ज्यादा अच्छा है। हयातो कहता है, ये बच्चा कुचा ही है, बस मैं प्रैक्टिस कर रहा था। जब हयातो की दोस्त उसे पूछती है कि तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स क्यों हैं, तो हयातो कहता है, मैं देर रात तक जागकर बच्चों के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। वहीं हमें गाकुतो को दिखाया जाता है जहाँ सब बच्चे बात कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि मेरे पापा आएंगे, कोई कहता है मेरी मम्मा आएंगी। वहीं हमें मीनतो को दिखाया जाता है जो ओडो को बुलाता है। उडो कहती है, क्या तुम हाइड एंड सीक खेल रहे हो? तो मीनो तो कहता है, मैं क्लास स्किप कर रहा हूँ। उडो डर जाती है, वो कहती है, ये क्या कर रहे हो? मीनो तो कहता है कि चुप रहो। मीनो तो उसे पकड़ के बाहर ले जाता है और कहता है, अगर मैं स्कूल से छुट्टी करूँगा तो हयातो को पता चल जाएगा। उडो कहती है, तुम ऐसा ना करो क्योंकि मेरे ग्रैंडपा तो जा ही रहे हैं। मीनो तो कहता है, नहीं, ये गाकुतो की पहली क्लास विजिटेशन है, इसलिए किसी न किसी भाई को तो जाना ही होगा। उडो कहती है, हाँ तुम कह तो सही रहे हो, जब मेरी मॉम आई थी तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी। उडो कहती है, चलो फिर क्या करना है? मीनो तो उसे कहता है, मैं दूसरे पीरियड में चला जाऊंगा और चौथे पीरियड में आ जाऊंगा, तीसरा पीरियड मैथ का है, तुम बस सर को कह देना कि मैं बीमार था इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए घर गया हूँ। उडो कहती है, ये सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो। अगले सीन में सबको डिनर टेबल पर दिखाया जाता है जिसमें गाकुतो कहता है, मैंने बहुत से स्नैक्स खा लिए इसलिए मुझे भूख नहीं है। हयातो कहता है, क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? लेकिन गाकुतो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने स्नैक्स ज्यादा खा लिए हैं। हयातो कहता है, कोई बात नहीं, मीनो तो भी खाना नहीं खा रहा होता। जब हयातो उससे पूछता है तो मीनो तो कहता है, मैंने भी स्नैक्स बहुत ज्यादा खा लिए हैं। हयातो कहते हैं, कभी भी तुम्हारे स्नैक्स से तो पेट भरता नहीं है, तो आज क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? मीनो तो कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोनों अपने अपने बारे में सोच रहे होते हैं, एक सोचता है कि मैं छुपा रहा हूँ तो दूसरा सोचता है कि मुझे गाकुतो के स्कूल जाना है। अगले दिन मीनो तो क्लास स्किप करके जा रहा होता है और उडो से कहता है, अपना प्लान याद रखना। वहीं वो छुप के खड़ा होता है और सोचता है, मुझे इसी तरीके से यहाँ से बाहर निकलना होगा ताकि किसी को शक ना हो। वहीं पीछे मीको तो आता है और मीनतो को देख रहा होता है। मीनतो से कहता है, क्या तुम हाइड एंड सीक खेल रहे हो? मीनतो जैसे ही पीछे देखता है वो डर के पीछे हटता है। मीनतो कहता है कि क्लास स्टार्ट हो गई है, तुम अपनी क्लास में जाओ। मीको तो कहता है, तो तुम्हें भी क्लास में जाना चाहिए। मीनो तो कहता है, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। मीको तो कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। लेकिन मीनो तो बात नहीं सुनता। मीको तो कहता है, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। मीनो तो सोचता है, अगर ये मेरे साथ खड़ा रहा तो मैं गाकुतो को स्कूल स्किप कर दूंगा। मीकुतो उसे वॉशरूम में लेकर जा रहा होता है, लेकिन मीनतो अपना हाथ छुड़ाता है और मीकुतो उसे कहता है, बस ऐसा सोचो कि तुमने मुझे नहीं देखा क्योंकि मैं गाकुतो के स्कूल में जा रहा हूँ, आज उसकी क्लास विजिटेशन है। मीकुतो जब ये सुनता है कहता है, तो अच्छा ये सब कुछ चल रहा था? और कहता है, मुझे लग ही रहा था कुछ तो गड़बड़ है। मीकुतो कहता है, क्या तुम भूल गए, मैं भी उसका बड़ा भाई हूँ, तो हम दोनों साथ मिलकर ही जाएंगे। मीकुतो कहता है, चलो चलते हैं। जब क्लास में टीचर अटेंडेंस ले रहा होता है तो उडो कहती है कि मीनतो की तबीयत खराब थी इसलिए वो घर गया है। टीचर कहता है, ठीक है। उडो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, यहाँ मीनतो बहुत ज्यादा डर रहा होता है और कहता है, किसी ने हमें पहचान लिया तो, क्योंकि हमने क्लास बंक की है। वहीं पीछे से एक आंटी आती है जो कहती है, तुम हाई स्कूल के बच्चे हो ना? मीनतो कहता है, हाँ हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए आए हैं। वहीं आंटी गुड लक कह के चली जाती है। मीनो तो कहता है, ये तो बहुत ज्यादा डरावना है। टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है, बच्चे बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं, लेकिन उडो डरी हुई होती है, वो अपना सर तक नहीं उठा सकती। वही हयातो हाथ धोने के लिए आता है और मीनतो का टीचर भी वहीं आता है जो हयातो से कहता है, तुम्हारा भाई मीनतो छुट्टी लेकर घर गया है। वही एक दूसरा लड़का भी आता है जो हयातो की तरह ही एक टीचर है जो हयातो से कहता है, मीको तो क्लास में नहीं है। हयातो और ज्यादा डर जाता है, वो घर कॉल करता है लेकिन घर से कोई कॉल नहीं पिक करता। वही टीचर बताता है कि आज एलिमेंट्री स्कूल में क्लास विजिटेशन डे है क्योंकि मेरी सिस्टर वहाँ पे पढ़ाती है, शायद वो दोनों वहाँ पे गए होंगे, जिससे हयातो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। जब टीचर क्लास में आता है और उडो से पूछता है तो उडो बहुत ज्यादा डर जाती है। मीनतो और मीकुतो स्कूल में पहुँचते हैं जहाँ सब लोग उसे देख रहे होते हैं। मीनतो डरा हुआ होता है लेकिन मीकुतो कहता है, कॉन्फिडेंस से आओ,
वहीं पीछे हयातो भी भाग के उनके पास आता है। वहीं गाकुतो को दिखाया जाता है जब उससे उसकी दोस्त पूछती है कि तुम्हारे घर से कौन आ रहा है, तो गाकुतो कहता है मेरे घर से कोई नहीं आ रहा। वहीं पीछे कृषिमा आता है, गाकुतो दुखी होता है। थोड़ी देर बाद मिनतो और मिकुतो भी क्लास में एंटर होते हैं। गाकुतो उन्हें देख के डर जाता है और सोचता है ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। पीछे हयातो भी आ जाता है, हयातो कहता है आगे देखो। वहीं जब टीचर बच्चों को कहती है कि ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो, तो गाकुतो हाथ खड़ा करता है, लेकिन वो टीचर से कहता है कि आप पेज के बारे में दोबारा बता दें। टीचर पेज बताती है और वो पढ़ना स्टार्ट करता है। जब गाकुतो घर पहुंचता है तो वो कहता है कि क्या मेरा प्लान स्टार्ट से ही एक्सपोज हो गया था। तो मिनतो कहता है मैंने गलती से तुम्हारा प्लान सुन लिया था। हयातो अपने दोस्त को थैंक यू कहता है। वहीं उडो आती है जो बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि उसे प्रिंसिपल से डांट पड़ी होती है। मिनतो उसे सॉरी कहता है। उडो कहती है क्या तुम पहुंच पाए। मिनतो कहता है हाँ मैं वक्त पे पहुंच गया था, लेकिन मेरे पीछे हयातो भी आ गया था। गाकुतो रोने लगता है और कहता है ये मैंने क्या कर दिया। वहीं हयातो का दोस्त गाकुतो को समझाता है कि हयातो हमारा दोस्त है, कभी वो हमारी मदद कर देता है और कभी हम उसकी मदद कर देते हैं। वक्त ऐसे ही गुजरता है, इसलिए हम किसी पर बर्डन नहीं डाल सकते। हयातो गाकुतो के पास आता है और कहता है मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करना चाहता हूँ। जब मिनतो ये बात सुनता है तो वो भाग के गाकुतो के पास आता है और कहता है तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। मिकुतो कहता है मैं भी, लेकिन मजा तो तब आता है जब ये बात मिसाकी को पता चलती है कि क्या आज क्लास विजिटेशन डे था। वो रोने लगती है और कहती है ये पहला क्लास विजिटेशन था जो वाका के लिए बहुत ज्यादा अहम था और मैं उसमें ही नहीं थी। जिसके साथ हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।